दोस्तों, जब तक ड्यूप्लेसिस और मैक्सवेल कर रहे थे तूफानी बल्लेबाजी, तब तक अनुष्का शर्मा थी खुश। लेकिन जैसे ही धोनी ने पलट दिया पूरा मुकाबला मोइन अली और तीक्ष्णा से विकेट दिलवा के, तो आरसीबी को मिली अंतिम ओवर में करारी हार पर भड़क उठी अनुष्का शर्मा ने धोनी के लिए जो कहा वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी धोनी को महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल 2023 का 24वां मुकाबला खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतते हुए पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया, जहां चेन्नई की ओर से सलामी बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ आए। लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने गायकवाड़ को कैच आउट कर दिया और उन्होंने 6 गेंदों में मात्र 3 रन बनाए। लेकिन चेन्नई को दूसरा झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में लगा, जो कि 20 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं डिवॉन कॉनवे ने 45 गेंदों पर 83 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि उन्हें अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया था और इस शानदार पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। तो वहीं शिवम दुबे 27 गेंदों में 52 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जहां चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 226 रन बना पाई और आरसीबी के सामने लक्ष्य था 227 रनों का। जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो पारी की शुरुआत विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने की, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई नहीं, क्योंकि कोहली 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं महिपाल लोमरोर के रूप में दूसरा झटका आरसीबी को जल्दी लग गया, वो 0 रन पर ही चलते बने। अब ये 2 विकेट गिर जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस पर पूरा दारोमदार था। दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश की मैच को अंतिम ओवर तक लेकर जाने की, लेकिन दोस्तों यहां पर अंतिम ओवर तक ना तो फाफ डुप्लेसिस खेल पाए और ना ग्लेन मैक्सवेल, और यहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भले ही शतकीय साझेदारी की, लेकिन दोस्तों ये आरसीबी के लिए कोई कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि आरसीबी की टीम ने अंतिम ओवर में इस मुकाबले को अपने हाथों से गवा दिया और इस मैच में एक समय के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऐसा लग रहा था कि पिछड़ चुकी है और यहां से आरसीबी की टीम बड़ी आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों गजब नजारे जब देखने के लिए मिले ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस के विकेट के बाद, जहां कोई भी बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को छोड़कर मैच जिताने के लिए खेल ही नहीं जाता। और दोस्तों आरसीबी की टीम को मिली 8 रन से करारी हार के बाद अनुष्का शर्मा का गुस्सा खूब जोरों से फूटा। यहां पर अनुष्का शर्मा ने धोनी के ऊपर भड़कते हुए बोला कि धोनी जब भी कप्तानी करते हैं हमारी आरसीबी की टीम हमेशा हार जाती है, उनकी कप्तानी के आगे मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई सी भी टीम टिक पाएगी, धोनी जैसे महान कप्तान का होना हमारी टीम में भी जरूरी है। हालांकि आज का मैच हमारी टीम के बल्लेबाजों के लिए सही नहीं था, क्योंकि हमारे विकेट गिरते चले गए। अगर फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल अंतिम ओवर तक टिके रहते तो शायद मैच हम अपने नाम कर सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम चेन्नई सुपर किंग्स जैसी महान टीम के खिलाफ हारे हैं और इस टीम को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि अक्सर टीमों के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। और चेन्नई सुपर किंग्स की कमान जब तक महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में, तब तक वो मैच को ऐसे ही जिताते रहेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि धोनी जैसा कप्तान पूरे विश्व में कोई हो ही नहीं सकता और उन्हें बखूबी पता है कि मैच जब हमारी टीम हार रही हो तो सामने वाले की स्थिति को कैसे खेलना चाहिए। और यहाँ हमारी बेंगलोर की टीम बल्लेबाजी शुरुआत में तो अच्छी कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता रहा हमारी टीम के खिलाड़ियों ने के बाद एक विकेट गिराते चले गए और शायद यही हार की सबसे बड़ी वजह बनी है। लेकिन धोनी भैया की कप्तानी देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों यहाँ पर अनुष्का शर्मा ने तो जमकर तारीफ कर दिया धोनी की कप्तानी की। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि अनुष्का शर्मा ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।